अब दुकान लेंगे तो कम से पगड़ी तो चाहिए 5 लाख, 5 लाख कम से कम बिजनेस के लिए चाहिए, टर्न ओवर होगा तो। हम लोग पास उतना है नहीं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। नीतीश कुमार का चावल दाल बटवाते हैं, पता नहीं चलता है कब आया कब गया। पेट ऐसा चीज है कि कुछ भी करना आदमी तैयार है, पेट के लिए आदमी झाड़ू देता है ना, उसी के लिए पेट के लिए हम लोग कर रहे हैं, चाहे जितनी भी परेशानी है। लीगल नहीं है, अनलीगल है, प्रशासन हटाएगा ही। हम लोग का काम है पेट भरने के लिए, भागना भी पड़ेगा, लगाना भी पड़ेगा। सरकार से क्या मांग करेंगे, सरकार कोई मांग पूरी करेगी तभी तो करेंगे। सरकार के पास ऐसे भी 3,65,000 मांगे हैं। नमस्कार, मैं हूँ सौम्य राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त मैं पटना जंक्शन के बाहर खड़ी हूँ और मेरे पीछे आप ये जो दुकानें देख रहे हैं, इनकी वजह से कितनी समस्या होती है कितनी नहीं, ये अक्सर खबरों में छाई हुई रहती है। अतिक्रमण की गाड़ियाँ आती है, इन ठेलों को हटवाया जाता है, लेकिन एक बड़ा सवाल हमेशा मेरे मन में ये आता था कि जब जब हर शाम यहाँ अतिक्रमण की गाड़ियाँ आती है, ठेले वालों को अपने ठेले लेकर भागना पड़ता है, उसके बावजूद वो लोग यहाँ ही अपनी दुकान क्यों सेटल करते हैं, यहीं पर बिक्री क्यों करते हैं? क्योंकि शिकायतें अनेक होती हैं, चाहे वो ट्रैफिक जाम की हो, चाहे वो अतिक्रमण की हो, लेकिन हज़ार कदम उठाने के बावजूद ये दुकानें जो हैं वो यहीं की यहीं रहती है। इसीलिए हमने सोचा कि आज यहाँ जो लोग बीते कई सालों से 1990 से अपनी दुकानें लगा रहे हैं, उनसे पूछें, उनसे जानने की कोशिश करें कि हर मौसम में हर दिक्कत के बावजूद दुकान जो है वो यहाँ लगने के पीछे आखिर कारण क्या है। अब चलिए आगे कुछ दुकानदारों से बात करते हैं, उनकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। नाम क्या हो भैया आपका? बबलू कुमार। कितने साल से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? 30 वर्ष से हैं। एक बात बताइए, सरकार तो यहाँ लगाने का इजाज़त नहीं दिया है, फिर कैसे लग जा रहा, कैसे फुट फाट कभी हटा जो हटेगा। एक बात बताइए, आती है तो हम लोग भाग जाते हैं। भाग के कहाँ जाते हैं? बस इधर उधर छितरते हैं। प्रशासन आता है तो कोई नुकसान भी होता है यहाँ पर? हाँ, नुकसान होता है, गिरता पड़ता है, जो गंदा हो जाता है। कैसे गिरता पड़ता है? बिक देता है, गहकियों लेकर भाग जाता है, प्रशासनों लेकर भाग जाता है। प्रशासन यहाँ से कपड़ा उठा के भाग जाता है, उठा के सड़क पे फेंक देता है, पब्लिक उठा के चल देता है। अच्छा, हम लोग को होता है, क्या? एक बात बताइए, इतने धूप में बरसात में हर हमेशा यहीं पे रहते हैं, कोई सुविधा कभी दिया नहीं गया है? क्या सुविधा मिलेगा जब फुटपाथ पे? अगर बहुत तेज बरसात हो जाए तो? चिमकी है हम लोग के पास, चिमकी लगा के, लेकिन दुकान नहीं हटाते हैं? नहीं, दुकान नहीं। एक बात बताइए कि इतना मजबूरी होने के बावजूद यहीं का ही दुकान लगाते, कहीं और क्यों नहीं गए? नहीं, अब कहूँ जगह नहीं है, जगह ही नहीं है। दुकान लगाने के पीछे का जरूरत क्या है? अब दुकान लेंगे तो कम से कम पगड़ी तो चाहिए 5 लाख, 5 लाख कम से कम बिजनेस के लिए चाहिए, टर्न ओवर होगा तो। हम लोग पास उतना है नहीं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। डेली कितना आमदनी हो जाता है यहाँ से? वही 300-400। कितने लोगों का परिवार है? 7 गो है। चल जाता है आपकी आमदनी से? जैसा मुनाफा है वैसा खाना चलता है। अभी तो कोरोना के वक्त सब हटा वटा दिया था, तब कैसे रहे थे? अभी तो कर्जा में लदे हुए हम लोग पार्टी से। कितना कर्जा? अभी होगा 15-20 हज़ार होगा। सरकार की तरफ से कोई मदद कभी कुछ नहीं? एक बार मिला था 500 मोदी जी की तरफ से, बस एक बार बस। और नीतीश कुमार की तरफ से? नीतीश कुमार का चावल दाल बंटवाते हैं, पता नहीं चलता है कब आया कब गया, सीधा ही साहब है। हालत होती है बहुत कुछ, कहीं कोई कर नहीं पाता, हम लोग पास उतना टाइम नहीं है। सर आपका? मोहम्मद परवेज। कितने वक्त से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? 2 साल हो गए। प्रशासन की दिक्कतें होती है, मौसम की दिक्कतें होती हैं, उसके बावजूद यहीं क्यों दुकान लगाते हैं? इलीगल भी है ये तो। कोई काम नहीं है इसीलिए मजबूरी में करना पड़ रहा। और क्या? कोई काम नहीं है मतलब? जैसे कि अब हम लोग हो गए जाहिल, पढ़े लिखे हैं नहीं, कोई काम ढंग का मिलता नहीं है, ये काम मिल जाता है तो कर लेते हैं। और क्या आमदनी हो जाता है यहाँ? 250 मिलता है। घर कितने लोगों का परिवार है? 5। चल जाता है कैसे? क्या किया जाए, मजबूरी है, कर रहे हैं। सरकार के तरफ से कोई मदद नहीं कभी? राशन उसन मिलता है महीना में। कितना ठीक ठाक मिल जाता है? 10 किलो मिलता है गेहूँ और 15 किलो चावल। सुने शाम में जो गाड़ी आती है प्रशासन की, बहुत नुकसान करके जाती है। अब सब दिक्कत उठा रहा तो हमको भी उठाना पड़ता है। क्या दिक्कत होता है? उनका भी कहना सही है, फुट पे लगाते हैं हम लोग, रास्ता जाम होता है, उसके लिए कि प्रशासन भी अपने जगह पे सही है। अब हम लोग बेरोजगारी इसलिए अपना लगा लेते हैं। प्रशासन की गाड़ी आते तो कहाँ जाते हैं? यहीं आगे पीछे करके मैनेज करते हैं। और क्या? ऑटो स्टैंड जाते हैं? ऑटो स्टैंड में जाते हैं, मिलता है जगह तो चल जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। क्या नाम हो भैया आपका? MD मंजर आलम।
कितने साल से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? 35 साल से। यहाँ लगाना भी इलीगल है, लगाने के लिए हर शाम नुकसान भी झेलना पड़ता है। नुकसान झेलना पड़ता है तो नुकसान के लिए कुछ सहना भी तो बर्दाश्त करना होता है ना, पेट भरने के लिए तो बर्दाश्त भी तो करना पड़ता है, तब इसमें क्या बोले आप? क्या दिक्कत होती है यहाँ? यहाँ दिक्कत कुछ भी नहीं है, दिक्कत तो भाग दौड़ है रोड पर, क्या दिक्कत रहेगा यहाँ? शाम को जब प्रशासन की गाड़ी आती है तो कोई खास नुकसान आती है तो उसका तो काम है हटाना चढ़ाना बढ़ाना, हम लोग का पेट भरने के लिए कुछ करना पड़ता है, भागना भी है उसमें रहना भी है, सब कुछ करना है। एक बात बताइए, जब इतनी दिक्कतें यहाँ होती है, धूप बारिश सर्दी में कोई इंतजाम नहीं है, कचरे के बीच में खड़े होकर चीजें बेच रहे हैं, इतनी मजबूरी के बाद भी यही काम इसी जगह पर किया? पेट ऐसा चीज है कि कुछ भी करना आदमी तैयार है, पेट के लिए आदमी झाड़ू देता है ना, उसी के लिए पेट के लिए हम लोग कर रहे हैं, चाहे जितनी भी परेशानी हो। कितनी आमदनी हो जाती है? आमदनी का हो कभी 100 कभी 200 कभी 400, यही आमदनी होती है। कितने लोगों का परिवार है? हम लोग का 4 परिवार है। 4 परिवार है? हाँ। चल जाता है? अब उसी में चल जाता है, सब मिलजुल के खटते हैं तो होता है। सरकार की तरफ से कभी दुकान दिलाने के लिए कोई मदद नहीं की गई है? की नहीं गई है सरकार की तरफ से तो बहुत, सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ, सरकार के तरफ से कुछ नहीं हुआ, हम लोग फार्म भरे सब कुछ किए, कुछ नहीं होता है। कोई देखने नहीं आता, गाड़ी हटाने का कीजिएगा, प्रशासन का काम है, हम लोग अनलीगल हैं, लीगल नहीं ना है, अनलीगल हैं, प्रशासन हटाएगा ही, हम लोग का काम है पेट भरने के लिए भागना भी पड़ेगा लगाना भी पड़ेगा। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहिउद्दीन है। कितने वक्त से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? मैं तो अब तक मतलब 3 महीने से लगा रहा हूँ, 3-4 महीने से, बाकी इससे पहले मैं मुंबई में था, मुंबई में कोरोना के बाद यहाँ आया हूँ तो यहाँ लगा रहा हूँ। बिहार छोड़कर बम्बई क्यों गए थे? वहाँ मेरा अपना काम था इसलिए, और यहाँ ये मेरे भाई का बिजनेस है तो वहाँ अभी मेरा काम ख़त्म हो गया, इसके लिए तब तक यहाँ मैं अपने भाई के बिजनेस को देख रहा हूँ उनका। एक बात बताइए, ये इलीगल भी है, रोज़ हर शाम यहाँ पर इसकी वजह से दिक्कतें भी होती है, धूप बारिश हर कोई व्यवस्था नहीं है, कचरे के बीच में खड़े होकर सामान बेचना पड़ता है, उसके बावजूद ये क्यों करते हैं? क्योंकि दूसरा कोई अदर ऑप्शन है नहीं, यहाँ छोड़ के हम लोग कहीं और जा नहीं सकते, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो हम लोगों की है वो स्टेशन से ही शुरुआत होती है और स्टेशन पर ही ख़त्म होती है, क्योंकि स्टेशन के सिवाय इतने सारे कस्टमर हम लोगों को कहीं मिलेंगे नहीं, और दूसरा कोई अदर प्लेस है नहीं जो गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए प्रोवाइड किया है, तो इससे बेहतर और कहाँ जा सकते हैं, हम लोग स्टेशन पर ही काम कर सकते हैं, और अगर ऐसा कोई दूसरा जगह गवर्नमेंट प्रोवाइड करके देती है तो हम लोग इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। गवर्नमेंट से कभी जगह के लिए मांग की है? अब ये सब तो यहाँ के जो नेतागण हैं वही लोग जानते हैं, हम तो अभी 3-4 महीने से यहाँ पर हैं, इससे पहले जितने लोग यहाँ पर थे अब ये किसके अंडर में लगता है क्या ये तो हमें भी नहीं मालूम है, बाकी यहाँ के कौन कौन मेन हेड हैं ये भी मैं नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जैसे सब लोग लगाते हैं वैसे मैं भी लगाता हूँ। यहाँ बहुत से लोगों की शिकायत थी कि शाम को जब प्रशासन की गाड़ी आती है तो कपड़े फेंक दिए जाते हैं, कुछ लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है, क्या आपके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत है? नहीं, हमारे साथ तो अभी दिक्कत नहीं हुई है, मगर चूंकि होता है क्योंकि ये जगह हम लोगों के लिए इलीगल है, सबसे बड़ी बात लीगली प्लेस पे हम लोग लगा नहीं रहे, हम लोगों की प्रशासन की कार्रवाई को झेलना पड़ेगा सहना पड़ेगा, इसमें प्रशासन का कोई दोष नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है इनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के लिए तो वो उनका है कि जब जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है तब तब वो हम लोगों को मतलब ये करते हैं कि चलो हटाओ, तो ये दिखावे के लिए काम होता है, इसमें प्रशासन का कोई गलती नहीं है। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से क्या मांग करेंगे, सरकार कोई मांग पूरी करेगी तभी तो करेंगे, सरकार के पास ऐसे भी 3,65,000 मांगे हैं, अब कितनी मांगे मैं उसके पास रखूंगा, आप देख लीजिए जाके उठाइए आप कॉपी सरकार के पास ना जाने, इतनी मांगे हैं कि सरकार अगर उन मांगों को देखने लगी तो सरकार 20 साल पहले चली जाएगी तो भी मांग पूरी नहीं होगी, और कभी किसी की मांग पूरी हुई नहीं है आज से नहीं 1947 से अब तक, और अगर पूरी हुई है तो आप बता दिए कि कोई मांग पूरी हुई है तो हम लोग और कोई मांग रखते हैं, बस यही मांग है सरकार से कि गरीबों को जिए और जीने दो, इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं, बोलिए। ओके, क्या नाम हो भैया आपका? मेरा विपिन वर्मा नाम है। कितने सालों से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? 1978 ईस्वी से लगाते हैं। इलीगल है, हर शाम को परेशानी भी होती है, फिर भी यहीं क्यों लगाते हैं? यहीं लगाते कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी कमाना है रोज खाना है बस। कितनी आमदनी हो जाती है? आमदनी 100-200 रुपये 300 रुपये यही होता है। 8-6 लोग का परिवार है, चल जाता है किसी तरीका से। यहाँ कोई इंतजाम आप लोगों के लिए नहीं किए गए हैं? इंतजाम नहीं है, बस बारिश होता है हम लोग ऐसे रह जाते हैं, प्लास्टिक ओढ़ के ज़िंदगी काट लेते हैं किसी तरीका से। पहले हम लोग को यहाँ पर दुकान था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मार्केट में हम लोग का दुकान था,
ये दुकान टूट गया मार्केट, तो हम लोग ठेला पर लगाते हैं। तो ठेला हटाने के लिए कोई लोग आते हैं? हाँ, अतिक्रमण आते हैं तब हटाते हैं। इलीगल हो चुका है, कहीं और दुकान नहीं ढूंढे? कहीं नहीं, जहाँ सरकार देगी वहीं लगाएंगे। बस हम लोग क्या करेंगे, पेट के चलते तो कहीं तो खटना होगा। सरकार के सामने कभी अपनी मांग रखी? बहुत मांग रखे हैं, सरकार कार्ड बना के भी दी है हम लोग को नगर निगम के तरफ से। हाँ, अब सर फायदा यही है, अभी कोई फायदा तो अभी कुछ नहीं हुआ है। अब सरकार जहाँ पर जाए एडजस्ट करेगा वहाँ जाएंगे हम लोग। हम लोग को दाल रोटी मिलना चाहिए, गरीब आदमी हम लोग कमाने खाने वाले हैं, रोज़ कमाना है रोज़ खाना है। सरकार से कोई मांग है आपकी? मांग हम लोग का स्थाई कहीं पर कर दे, बस यही मांग है हम लोग का। क्या नाम हो भैया आपका? एस कुमार गुप्ता। कब से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? 1990 से लगा रहे हैं। इलीगल भी है, बारिश धूप में कोई व्यवस्था भी नहीं है, फिर भी यहीं क्यों लगाते हैं? यहीं पर रहते हैं। क्यों? क्या करें, कोई मेरे पास व्यवस्था नहीं है, हम लोग गरीब आदमी है, फुटपाथ लगाते हैं। कभी कोशिश नहीं की कहीं और जाने की? कोशिश की है लेकिन कहीं मिला नहीं जगह, कहीं नहीं मिला जगह। प्रशासन की वजह से यहाँ कोई दिक्कतें होती है कभी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ा बहुत भाग दौड़ होता है, उतना तो होवे करता है, रोड पर है तो होवे करेगा उतना दूर जी, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कोई मदद करने नहीं आया सरकार की तरफ से? कभी पक्की दुकानें नहीं दी गई? नहीं नहीं, अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ। आप लोगों ने मांग रखी कभी? रखी थी, बहुत फार्म उड़म बहुत भराया, तो यहाँ देंगे वहाँ देंगे, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। प्रधानमंत्री बोले कि जगह देंगे, लेकिन कहीं नहीं अभी तक हुआ है व्यवस्था। कितने सालों से ये फॉर्म भरने और जगह मिलने का चक्कर चल रहा है? ये लगता है हमको बहुत 20-25 साल से चल रहा है। 20-25 साल से बातें चल रही? हम लोग यहीं पर हैं अभी तक। 20-25 साल से बातें चल रही है, दुकान नहीं मिली? नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। कितना आमदनी हो जाता है यहाँ से? कमालते हैं, 300-400 कभी 500 हो गया। कितने लोगों का परिवार है? हमारे 5 परिवार हैं। और चल जाता है इतने से काम? चल जाता है, क्या करें, उसी में गुजारा करना है, काम बेसी होता है, क्या करें। सरकार से कोई मांग रख रहे हैं फिलहाल? अभी तो कोई मांग नहीं है, कोई उम्मीदें नहीं है, तो क्या उम्मीद रखेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ जो दुकानें लगा रहे हैं वो भी जानते हैं कि ये काम इलीगल है, इसीलिए प्रशासन से शिकायत तक नहीं कर रहे, मगर ये भी बता रहे हैं कि उनकी मजबूरी है यहाँ दुकान लगाना, क्योंकि इसके सिवा कोई काम नहीं है। साथ ही साथ 20-25 सालों से चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनके द्वारा पक्की दुकानें देने के वादे भी किए जा रहे हैं, मगर ये वादे हकीकत में कब तब्दील होंगे इसका इंतज़ार अब ये भी कर रहे हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप स्टेशन के पास से गुजरें और इन दुकानों को ट्रैफिक जाम के लिए कोसें, तो ज़रा एक बार सोच लीजिएगा कि आज शायद जो दुकानें लगी हैं वो शौक की नहीं, वो मजबूरी की वजह से लगाई जा रही है। अब लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर पर भी आप लाइव सिटीज़ को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।